हेलो एवरीबडी आई एम मनीषा एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स तो आज हम कंप्लीट करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक हॉन बिल जो कि था द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इस चैप्टर में हमने हमारा पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन और माइंड मैप्स हमने कवर किए थे हमारी फर्स्ट वीडियो में और अब हमारी सेकेंड वीडियो में हम क्या कवर करेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की समरी

और ग्रैंड मदर कभी भी यंग एंड प्रिटी नहीं हो सकती थी क्योंकि उनका फेस हमेशा बहुत रिंकल रहता था और ये वो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि मेरी ग्रैंड मदर कभी प्रिटी हो सकती हैं कैसी थी वो वो शॉर्ट थी फैट थी स्लाइटली बेंड थी एंड ऑथर हैड सीन हिज ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट एंड ओल्ड मैन विद अ टर्बन एंड लॉन्ग बियर्ड कवरिंग हिज चेस्ट तो मेंटल पीस के ऊपर घर में उनके ड्राॅइंग रूम में उनके ग्रैंड फादर की पोर्ट्रेट भी हुआ करती थी जो उन्होंने देखी पिक्चर to the author his grandfather didn't seem like a man who could have a wife and children but someone who could have lots of grandchildren his grandmother used to move around the house in spotless white with one hand on resting on her waist and other counting the beads of rosary तो वो कह रहे हैं कि जो ग्रैंड फादर थे और जो ग्रैंड मदर थी वो लगता ही नहीं था कि दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं क्योंकि ग्रैंड मदर के बारे में बताया गया था कि बहुत प्रटी थी और ग्रैंड फादर की जो पिक्चर वो देख रहे थे वो बहुत एक ओल्ड मैन की थी तो ये थाट उनके लिए बहुत रिवोल्टिंग था बिलीव करना मुश्किल था ऑल्सो जो ग्रैंड मदर थी वो हमेशा क्या थी वो एक हाथ हमेशा अपने वेस्ट पर रखती थी टू तो बैलेंस और स्टूप एंड दूसरे हैंड में हमेशा उनकी बीड्स ऑफ रोजरी रहती थी इनिशियल डेज में जब वो लोग विलेज में थे ऑथर और जो ग्रैंड मदर थे उनका बहुत ही गुड रिलेशनशिप था आपस में और वो उनको सुबह स्कूल के लिए वेकअप करती थी रेडी करती थी स्कूल के लिए और उनकी सारी थिंग्स पैक करके उनको रेडी करके देती थी और वॉक हिम टू स्कूल एवरीडे साथ में वॉक करके उनके साथ स्कूल जाती भी थी ग्रैंड मदर शी टू विजिट द टेम्पल दैट वॉज अटैच्ड टू द स्कूल शी अ तो वो क्या करती थी स्कूल में जब वो जो इसलिए जाती थी क्योंकि एक टेम्पल अटैच था वहाँ पे शी हैड अ रूटीन ऑफ रीडिंग स्क्रिप्चर्स और अंदर बैठ के स्क्रिप्चर्स भगवान की किताबें पढ़ती थी दी ऑथर अलॉन्ग विद अदर चिल्ड्रन सैट इन द दरांडा बाहर वरान्डा में दूसरे बच्चों के साथ बैठ के एल्फाबेट्स और मॉर्निंग के प्रेयर सीखते थे जो उनको वहाँ के प्रीस्ट सिखाते थे दे बोथ यूज टू कम बैक होम टुगेदर किसके साथ स्ट्रे डॉग्स क्योंकि रास्ते में उनको स्ट्रे डॉग्स मिलते थे और ग्रैंड मदर उनके लिए स्टेल बासी रोटियाँ चपातियाँ कैरी करती थी उनको खिलाने के लिए पेरेंट्स ऑफ द ऑथर सेटल एंड कॉल फॉर देम अब पेरेंट्स ने उनको सिटी वापस बुलाया क्योंकि रीच द सिटी द रिलेशनशिप ऑफ द ग्रदर टर्न और यहीं से ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह के रिलेशनशिप के बीच में एक टर्निंग पॉइंट आया दो दे शेयर द रूम देर बॉन्ड ग्री पार्ट अब सिटी में वो रूम तो शेयर कर रहे थे लेकिन उनका बॉन्ड थोड़ा सा दूर हो गया स्टार्टेड गोइंग टू इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड नो लॉन्गर एक्म्पनी टू स्कूल दादी अब उनके सो अकॉम्पनी है ना उनके साथ उनको स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी क्योंकि एंड देर वर नो लॉन्गर स्ट्रेट डॉग्स वो रोमड अराउंड देम और स्ट्रेट डॉग्स भी रास्ते में अब नहीं होते थे क्योंकि अब यहाँ सिटी है यहाँ सब सिनारियो चेंज हो गया है शी हाउ एवर यूज टू आस्किंग अबाउट हिस डे उनके दिन के बारे में पूछती थी ग्रैंड मदर कि खुशवंत कैसा रहा आज का दिन स्कूल में क्या पढ़ाया एंड ही हैड एंड वॉट ही हैड लर्न और स्कूल से क्या पढ़ के आए शी डेंट अंडरस्टैंड जो भी वो बताते थे उनको कुछ समझ में नहीं आता था बिकॉज इट वॉज एन अनदर लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में होता था और वो कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाती थी समझ नहीं पाती थी कि क्या खुशमंद बता रहे हैं शी डेंट अप्रूव ऑफ द न्यू सिलेबस डेट वॉज स्टिंग जो नया सिलेबस वहाँ पढ़ाया जाता था साइंस के बारे में आके बिटीज प्रिंसिपल के बारे में वो उनको पसंद नहीं आता था क्यों क्योंकि शी थॉट वो ऐसा सोचती थी दैट दे डिड नॉट टीच हिम अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स भगवान के बारे में और भगवान के ज्ञान के बारे में स्कूल में कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है दिस ऑल लेस ऑफ ईच अदर और अब दोनों एक दूसरे से बातचीत भी थोड़ी कम करते थे क्योंकि खुशवंत अपनी सिटी लाइफ में थोड़ा सा बिजी हो गए एज डेज पास बाय ही ग्रू ओल्डर अब खुशवंत और बड़े हो गए एंड वेंट टू द यूनिवर्सिटी अब कहाँ चले गए वो यूनिवर्सिटी पढ़ने चले गए अब उनका खुद का रूम हो गया और सेपरेट हो गया उनका रूम उनकी ग्रैंड मदर से और इससे उनका रिलेशनशिप और सावर हो गया सावर या सौर एक ही बात है सौर हो गया या सावर हो गया दैट मीन्स की और दूरियाँ बढ़ गई दोनों के रिलेशनशिप के बीच में शी स्टॉप टॉकिंग टू एवरी वन हु ग्रैंड मदर ये शी कौन है ग्रैंड मदर उन्होंने सबसे बात करना बंद कर दिए और अपना अकेले रहने लगी चरखा चलातीस हमेशा अपनी रुद्राक्ष की माला पड़ती रहती थी However, she loved feeding sparrows. उनको एक ही चीज बहुत अच्छी लगती थी वो स्पैरो वरांडा में बैठ के डॉन टाइम में यानी शाम में जब सूरज ढलता है उस समय में वो उनको पसंद था ये काम करना ब्रेड्स ब्रेक करती थी वो पीसेस में किसको फीड करने के लिए बर्ड्स को फीड करने के लिए और ये उनका एक डेली रूटीन हो गया था कि हर शाम में हाफ एन आवर बैठ के मुझे ब्रेड क्रम्स खिलाने हैं बर्ड्स को बर्ड्स कहाँ बैठ जाते थे उनके लेग्स पे कोई उनके हेड पे कोई उनके शोल्डर्स पे बैठ जाते थे और वो बहुत इंजॉय करती थी सून द ऑथर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड अब ऑथर का यूनिवर्सिटी की पढ़ाई खत्म हो गई अब उनको अब्रॉड यानी कंट्री के बाहर अपनी हायर स्टडीज के लिए जाना है

दादी की डेथ नहीं हुई थी क्योंकि उनको ये डाउट था कि मैं पाँच साल के लिए बाहर जा रहा हूँ ग्रैंड मदर होंगी कि नहीं होंगी क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ओल्ड एज की हैं बट दादी वॉज देर वो जब वापस आए तो थी केम टू पिक हिम आप उनको स्टेशन पर पिक करने आई और एग्जैक्टली exactly वैसे ही सेम दिख रही थी जैसे पाँच साल पहले वो दिख रही थी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई थी शी क्लास्ट उन्होंने टाइटली उसको हक कर दिया होल्ड कर दिया अपने आर्म्स में एंड डिंट से अ वर्ड एक वर्ड भी नहीं बोला और वो अब भी जब आई तो वो वापस जब आए तो उन्होंने देखा कि दादी अभी भी स्पैरोस को वैसे ही फीट करी जैसे पाँच साल पहले फीट किया करती थी वन डे शी इन रिसाइड हर प्रेयर्स बट इंस्टिट कलेक्टेड दुमेन ऑफ द नेबरहुड तो एक दिन उन्होंने अपनी प्रेयर्स रिसाइड नहीं करी और अपनी पड़ोसी की पड़ोस की लेडीज को बुलाया घर पर और एक ड्रम बुलवाया और स्टार्टेड सिंगिंग गाने गाने लग गई नेक्स्ट मॉर्निंग में शी वॉज इल सबने उनको मना किया कि इतना अपने आप को ओवर स्ट्रेन मत करो उन्होंने बात नहीं मानी और देन नेक्स्ट मॉर्निंग में उनकी तबियत खराब हो गई दादी की डॉक्टर ने कहा कि वरी करने की जरूरत नहीं है बट शी वॉज श्योर दादी श्योर थी कि हर एंड वॉज नियर उनको पता चल गया था इंट्यूशन आ गया था कि उनकी अब डेथ होने वाली है शी डेंट वॉन्ट टू वेस्ट अर टाइम टॉकिंग टू एनीम उनको किसी से बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था फैमिली में और अपने जो लास्ट आवर्स हैं वो अपनी प्रेयर्स रिसाइड करने में अपनी पूजा पाठ करने में ही स्पेंड करना था उनको शी डाइट ऑन हर बॉडी ले ऑन द बेड और बेड पर ही अपनी प्रेयर करते 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 वो वहीं उनकी डेथ हो गई जो बीट्स ऑफ रोजरी थी उनके हाथ से गिर गई जो लिप्स मूव हो रहे थे प्रेयर में वो लिप्स मूव होना बंद हो गए एज दे प्रिपेर फॉर द फ्यूनरल कॉन दे जो उनकी फैमिली थी हु आर दिज डे द फैमिली ऑफ ग्रैंड मदर उनको फ्यूनरल के लिए प्रिपेर करना था तो दे सॉ ऑल द स्पैरोज सिटिंग इन द वांडा तो उन्होंने देखा कि वो स्पैरोज जो हर शाम में दादी के पास आती थी ब्रेड क्रम्स खाने के लिए वो उधर वरांडा में उधर घर के आंगन में पोर्च में आके वहाँ पे इकट्ठा हो गई हैं गैदर हो गई हैं एंड मॉर्निंग हर डेथ और उसकी डेथ में चुपचाप बैठी हैं कोई चॉपिंग्स कोई आवाज कोई नॉइस कुछ नहीं कर रही हैं बस चुपचाप बैठी हैं और शोक जता रही है गम जता रही है उनकी ग्रैंड मदर की डेथ का सो दिस वॉल्स ऑल अबाउट द समरी ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी अब यहाँ से हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन एंड आंसर्स जिनके एग्जाम्स में आने के चांसेस ज्यादा है ऑल्सो उसमें इन क्वेश्चन में सारा चैप्टर भी कवर होता है तो अगर कहीं भी कुछ भी अब भी अगर 0.01 परसेंट का कुछ डाउट है तो वो इन चैप्टर्स के थ्रू क्लियर हो जाएगा आपका सो फर्स्ट क्वेश्चन इज the three phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad. तो first question में वो क्या पूछ रहे हैं कि आप हमें three phases बताइए तीन वो time के time बताइए जब author अपनी grandmother मदर को छोड़ के कंट्री को से बाहर अब्रॉड गया था पढ़ने के लिए तो वो कैसे थे तीन फेजेज और उनमें वो उनका रिलेशनशिप कैसा था The three phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad are as follows. तो so, आपका जो first phase था वो क्या था द पीरियड ऑफ इज अर्ली चाइल्ड हुड वेर ही यूज़ टू लिव विथ हर इन द विलेज तो वो जब विलेज में अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते थे ये उनका फर्स्ट फेज था और वहाँ पर वो लोग क्या करते थे इज ग्रैंड मदर यूज टू वेक हिम अप एंड गेट हिम रेडी फॉर द स्कूल उठाती थी स्कूल के लिए रेडी करती थी दे बोथ वो टॉक टू स्कूल टेक टू टू वॉक स्कूल टुगेदर एंड कम बैक होम टुगेदर साथ में स्कूल जाते थे एंड साथ में स्कूल वापस आते थे दे हैड गुड फ्रेंडशिप ईच अदर और एक दूसरे से उनका बहुत अच्छा

ऑल दो देड सेम रूम अब यहाँ पर इस फेज में अब भी विलेज की तरह यहाँ पर भी सेकेंड फेज में भी सेम रूम शेयर कर रहे हैं दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप नाउ द सॉ लेस ऑफ ईच अदर अब यह इसके बाद से क्या आया सेकेंड फेज के बाद से यहाँ पर टर्निंग फेज आया क्योंकि अब इस फेज़ में ऑथर कहाँ गए अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ने पढ़ाई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने चले गए क्योंकि अब बड़े हो गए हाई स्कूल ख़त्म हो गए अब कॉलेज जाएंगे पढ़ने ही वॉज गिविन अ रूम ऑफ इज ओन तो फर्स्ट फेज में सेम रूम था सेकेंड फेज में भी दोनों का सेम रूम था और थर्ड फेज में अब सेम रूम दोनों का नहीं है दिस मेड दर फ्रेंडशिप बॉन्ड वीकर एज द अन द कॉमन लिंक बिटवीन दैम द रूम हैज स्नैप दोनों के बीच का कॉमन लिंक क्या था वो रूम क्योंकि कॉमनली दोनों उस एक रूम को शेयर करते थे बट थर्ड फेज में उनको एक सेपरेट रूम दे दिया गया जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए और ये जो कॉमन लिंक थी उनकी फ्रेंडशिप की वो स्नैप हो गई यानी ब्रेक हो गई टूट गई

बिकॉज दिस इज एन इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन फ्रॉम द चैप्टर यानी कि उन्होंने अपने अकेलेपन को एक्सेप्ट करा किसी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कोई लड़ाई नहीं करी कि आपने रूम क्यों अलग कर दिया और पूरा दिन कैसे स्पेंड करती थी अपना स्पिनिंग व्हील में स्पेंड करती थी और अपनी प्रेयर्स डिसाइड करती रहती थी ऑल्सो क्या करती थी अपने स्पैरोज को शाम में हाफ एन आवर ब्रेड क्रम स्पीड करती थी सेकेंड क्वेश्चन थ्री रीजन्स वाई दस ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्बड तीन हमको रीजन बताने बताने थे हैं कि ऑथर की ग्रैंड मदर डिस्टर्ब क्यों गई क्यों परेशान हो गई वैन शी गोइंग टू द ही गोइंग टू द सिटी स्कूल तो जब खुशवंत सिटी वाले स्कूल इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल जाने लग गए तो तो ग्रैंड मदर डिस्टर्ब क्यों हुई तो वैन द ऑथर यूज टू लिव इन दिलेज विथ हर दे बोथ हैड अ गुड रिलेशनशिप शी यूज टू वेक हिम हप गॉट हिम अप रेडी एंड वुड कंपनी हिम टू स्कूल ऑल दिस एज चेंज when दे मूव टू द सिटी द ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब फॉर द फॉलोइंग रीजन्स तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जब विलेज में रहते थे तो ग्रैंड मदर उनको सुबह स्कूल के लिए उठाती थी स्कूल ड्रॉप करने जाती थी ब्रेकफिस देती थी और उनका साथ उनके साथ स्कूल जाती थी और उनके साथ वहीं बैठी भी रहती थी तो so, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे लेकिन वो डिस्टर्ब हो गए क्यों क्योंकि उनकी लाइफ सिटी में जब शिफ्ट हुई तो ये फॉलोइंग रीजनस थे कि वो डिस्टर्ब हुए वट इज़ द फर्स्ट रीज़न शी नो लॉन्गर कूड हेल्प हम इन लेसन अब उनको पढ़ाई में और लेसन में हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल था और वो अब समझ में नहीं आ रहा था उनको सो दिस बिकेम अ बैरियर फॉर हर बैरियर यानी कि ये एक ऑब्सटिकल एक रुकावट बन गया दोनों के बीच में क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज का इशू था इंग्लिश एंड हिंदी क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल जाते थे और वहाँ सिटी में इंग्लिश मीडियम जाते थे और विलेज में हिंदी मीडियम में सेकेंड रीजन क्या है देर no नो टीचिंग्स अबाउट गॉड एंड scriptures. जब उन्हें पता चला ग्रैंड मदर को कि स्कूल में सिर्फ आके मेरी प्रिंसिपल प्रिंस, प्रिंस, साइंस और अदर सब्जेक्ट्स उनको पढ़ा रहे हैं और गॉड और रिलीजियस uh, चीज़ें नहीं पढ़ा रहे हैं तो वो बहुत डिस्टर्ब हो गई उन्हें लगता था कि भगवान के बारे में क्यों पढ़ा नहीं क्योंकि वो खुद एक रिलीजियस लेडी थी थर्ड रीजन शी डेंट लाइक हिम टेकिंग द म्यूजिक लेसन अकॉर्डिंग टू हर म्यूजिक वॉज ओनली फॉर द बिगर्स एंड हालत सो वो ये बोल रहे हैं कि म्यूज़िक के बारे में जब खुशवंत ने बताया तो वो फिर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई डिस्ट्रेस हो गई स्ट्रेस में आ गई क्योंकि उनको लगता था कि जो म्यूज़िक है वो सिर्फ जेंटल फोक्स के लिए नहीं है वो सिर्फ बेगर्स और लोअर क्लास लोगों के लिए है और जो जेंटल फोक्स यानी अच्छे लोग अच्छी ग्रेड के जो लोग होते वो ये नाच गाना म्यूज़िक ये सब नहीं करते

चैंटिंग प्रेयर्स एंड स्पीडिंग स्पैरोज तो उनको तीन चीजें बहुत पसंद थी ऑब्वियसली प्रेयर करना तो पसंद थी जो उनका बेसिक नेचर है और स्पिनिंग व्हील पे कंटिन्यूअसली वो वर्क करती रहती थी और अपनी थर्स्ट टाइम भी प्रेयर बोलती रहती थी और दिन में एक हाफ एन आवर ऐसा था जिसमें वो अपनी स्पैरोज को फीट करती थी और वो उनके पूरे डे का बेस्ट हाफ एन आवर का टाइम था लास्ट क्वेश्चन दी ऑर्ड वे इन विच दी ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव जस्ट बिफोर शी डाइड एक ऑर्ड एक अजीब सा तरीका वो क्या था जिसमें ऑथर की ग्रैंड मदर वैसा बिहेव करने लगी जस्ट बिफोर शी डाइड मरने से थोड़े टाइम पहले वो एक ऑर्ड यानी बहुत अजीब तरीके से बिहेव करने लगी और क्यों करने लगी तो वो क्यों था लेट्स द इवनिंग बिफोर डाइंग उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी प्रेयर ओ मिट यानी कि स्किप या मिस नहीं करिए अपनी डेथ के एक दिन पहले से इवनिंग में उन्होंने क्या कर दी अपनी

क्योंकि उन्होंने अपने आप को बहुत एग्जॉस्ट कर दिया था ओवर स्ट्रेन कर दिया था अगली सुबह उनकी तबीयत खराब हो गई एंड शी फेल इल शी सेड हर एंड दैट हर एंड वॉज नियर और डॉक्टर्स ने तो बोला वो ठीक हो जाएंगी बट उनको पता था कि उनका एंड नियर है, अब उनका आखिरी समय आ गया है शी स्टार्टड प्रेइंग पीसफुली वाइल लेंग ऑन हर बेड तो उन्होंने ये बोला कि मैं अब अपने आखिरी के समय में किसी से बात नहीं करूँगी और सिर्फ पीसफुली अपने बेड पर बैठूंगी और लेटूँगी और रेस्ट करती है और अपनी प्रेयर करती रहूँगी क्योंकि मैंने एक दिन पहले अपनी प्रेयर मिस कर दी और बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया शी रिफ्यूज़ टू टॉक टू एनी वन और किसी से मैं उनको बात भी नहीं करनी थी ड्यूरिंग हर लास्ट आवर्स जबकि लास्ट आवर्स में तो लोग अपने घर वालों से अपने अपनी फैमिली के साथ बात करते हैं उनके साथ जितना हो सकता है टाइम स्पेंड करते हैं बट उन्होंने बोला नहीं मैंने एक दिन पूरा अपना वेस्ट कर दिया और ओमिट कर दी अपनी प्रेयर्स तो आज मैं सिर्फ प्रेयर करूंगी एंड किसी से बात नहीं करूंगी डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड इज ग्रैंड मदर डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज ना दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओवर हेयर ऑथर और उनकी ग्रैंड मदर के बीच में उनका जो रिलेशनशिप था वो चेंज तो हो रहा था डेफिनेटली बट एक दूसरे के लिए जो उनकी फीलिंग्स थी गैप बड़ा लेकिन एक दूसरे की जो फीलिंग्स थी क्या वो चेंज हुई इन दी अर्ली डेज दे बोड शेयर गुड बॉन्ड शुरुआती दिनों में दोनों बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे वो उनको स्कूल के लिए रेडी करती थी स्कूल तक अकम्पनी करके जाती थी वापस घर भी आती थी एंड उनको उनकी पढ़ाई में लेस में हेल्प करती थी उनको प्रेयर्स और आ, सिंगिंग्स जो मोनोटनस सिंगिंग्स थी बोरिंग मॉर्निंग प्रेयर्स थी वो सब भी सुनाती थी अब जब वो सिटी में जाके मूव हो गए वहाँ जाके दोनों सेटल हो गए पेरेंट्स के पास उनका जो रिलेशनशिप था वो स्ट्रेन हो गया यानी धीरे धीरे कम हो गया ही स्टार्टेड गोइंग टू द इंग्लिश मीडियम क्योंकि अब ऑथर इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगे और अब वो उनके साथ स्कूल तक ए कंपनी यानी वापस साथ में वॉक करते जा भी नहीं रही है एंड उनको उनके लेसन में हेल्प नहीं कर रही क्योंकि उनको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या पढ़ा रहे हैं वहाँ पर शी डेंट लाइक द न्यू स्कूल और उनको उनको, उनको न्यू स्कूल भी नहीं अच्छा लग रहा था क्योंकि वहाँ पे गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ा रहे थे वो सिर्फ क्या पढ़ा रहे थे वो साइंस के बारे में और आके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा रहे थे और बाद में जब उनको पता चला कि म्यूज़िक लेसन भी पढ़ा रहे थे तो वो और डिस्टर्ब हो गई क्योंकि उनको लगता था कि जो म्यूजिक लेसनस थे वो सिर्फ वो डिसअप्रूव करा उन्होंने म्यूज़िक लेसन क्योंकि उन्हें लगा कि जो म्यूज़िक है वो सिर्फ बेगर्स एंड हालत्स के लिए है और जेंटल फोक्स यानी अच्छे लोगों के लिए नहीं है इस वजह से डिस्ट्रेस होके शी स्टॉप टॉकिंग टू हिम उनसे बाद में उन्होंने बात करना बंद कर दिया और अपना पूरा टाइम अलोन अकेले स्पेंड करने लगी और क्या करती थी चैंटिंग करती थी प्रेयर्स और अपना स्पिनिंग व्हील पे अपना टाइम स्पेंड करती थी जब ऑथर बाद में कहाँ चले गए यूनिवर्सिटी चले गए और उसके बाद फिर अब्रॉड पहले यूनिवर्सिटी गए फिर यूनिवर्सिटी खत्म हुई तो अब्रॉड चले गए उसके बाद उनका बॉन्ड जो था जो बॉन्ड था वो और वीक होता गया और क्योंकि अब्रॉड चले गए थे वो पाँच साल के लिए तो और उनका रिलेशनशिप वीक हो गया शी वुड स्पिन द द व्हील होल डे पूरा दिन अपना सिर्फ स्पिन करती रहती थी व्हील और अपनी प्रेस चांट करती रहती थी, याने बोलती रहती थी थी यानी बोलती और उन्होंने अपना सेक्लूजन एक्सेप्ट किया अपने अकेलेपन को बिना रेजिग्नेशन बिना किसी ऑब्जेक्शन के एक्सेप्ट किया नो अब ये नो किया है क्योंकि पिछली स्लाइड में क्वेश्चन था डिट द फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज क्या ऑथर और उनके ग्रैंड मदर के जो फीलिंग्स थे एक दूसरे के लिए चेंज हुई तो नो no. उनके फीलिंग्स एक दूसरे के लिए चेंज नहीं हुई देर फीलिंग्स फॉर ए डिन चेंज बट ड्यूरिंग द टाइम डिस्टेंस डेवलप बिटवीन दैम डिस्टेंस बढ़ गया था पर एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स थी वो चेंज नहीं हुई क्यों नहीं हुई क्योंकि ग्रैंड मदर इतनी ओल्ड थी उन्होंने फिर भी पाँच साल अपने आप को वेट करा उन्होंने रेजिस्ट किया अपने पोते के वापस आने का वेट किया और उसी शाम उन्होंने अपनी प्रेयर्स भी मिस करी सोचो दूर रही डिस्टेंस तो था लेकिन उनको इतनी खुशी थी कि उन्होंने होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स को था जो था उसको उन्होंने सेलिब्रेट किया अपने पोते के आने की खुशी सेलिब्रेट करी पड़ोस की लेडीज़ को बुलाया ढोल बजाया इन्जॉय किया अपनी प्रेयर्स तक मिस करी जो उन्होंने लाइफ में कभी नहीं करी थी एंड देन उसके बाद अगली मॉर्निंग में उनकी तबीयत खराब हुई और उनकी डेथ हो गई तो इसका ये मतलब है कि उन्होंने अपने आप को सिर्फ रोक के रखा था अपने पोते की शक्ल देखने के लिए उससे मिलने के लिए क्योंकि उनका हार्ट अभी भी अपने पोते से कनेक्टेड वुड यूरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इफ यानी आप चैप्टर में से बताइए कि क्या दिखाती हैं आपको वो सब चीजें कि ग्रैंड मदर एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थी तो मुझे लगता है कि येस ग्रैंड मदर जो थी वो ये डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर थी एज अ पर्सन और बहुत सारे इंस्टेंसेज हमें चैप्टर में बताए गए हैं कि वो एक स्ट्रांग कैरेक्टर थी पहला शी हैड अर ओन था अबाउट स्कूल्स उनके अपने खुद के स्टैंडर्ड्स और थाट्स होते थे कि स्कूल्स में और स्कूल में टीचिंग्स कैसी होनी चाहिए थी उनको स्कूल से मतलब नहीं उनको उनके अपने खुद के थॉट्स से ये सब तो पढ़ाना चाहिए गॉड के बारे में तो पढ़ाएं शी कंसिडर्ड लर्निंग स्क्रिप्चर्स अ बेटर थिंग दैन स्टडिंग साइंस और इंग्लिश उनको ये सब भगवान से रिलेटेड चीज़ें पढ़ना ज़्यादा बेटर लगती थी शी डेंट लाइक म्यूजिक उनको म्यूज़िक नहीं पसंद था पहली चीज़ क्योंकि म्यूजिक उनके लिए लो लेवल पीपल के लिए माना जाता था वैन द ऑथर वो द यूनिवर्सिटी अब जब ऑथर यूनिवर्सिटी चले गए तो उन्होंने अपना सक्लूजन अपने अकेलेपन को क्या किया एक्सेप्ट किया रोना धोना नहीं किया अपने आप को इमोशनली डिसबैलेंस नहीं होने दिया कि मेरा पोता अब रूम अलग हो गया या ब्रॉड पढ़ने चले गया तो मैं रोऊँ अपने आप को उन्होंने स्ट्रॉन्ग बना के रखा उन्होंने सिर्फ क्या किया अपना जो अकेलेपन का टाइम था खुद स्पेंड करना करा कैसे बाय स्पिनिंग द व्हील्स बाय चांटिंग सम प्रेज बाय टेलिंग द बीट्स एंड फीड द ब्रेड क्रम्स सुधर स्पैरोज

मिलियन टाइम्स उनको रोका कि अपने आपको ओवर स्ट्रेन और एग्जॉस्ट मत करिए ग्रैंड मदर क्योंकि आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी लेकिन फिर भी नहीं वो कंटिन्यूसली इंजॉय करती रही डांस किया उन्होंने वो डायलापिटेटेड ड्रम को थंप करती रहीं बजाती रहीं और फिर भी कितना सबके पोर्जुएट करने पर भी मानी नहीं लास्ट पॉइंट ड्यूरिंग हर लास्ट टाइम अपने अंतिम समय में अपने एंड टाइम में शी डेंट वॉन्ट टू वेस्ट एनी टाइम उनको अपना टाइम नहीं वेस्ट करना था इतनी इमोशनली डिसबैलेंस नहीं थी कि नहीं नहीं मैं तो अपनी फैमिली से बात करूँ रो हूँ कि अब मैं मरने वाली हूँ कुछ नहीं उन्होंने बोला मैंने अपना टाइम बहुत सारा वेस्ट कर लिया अपनी मैंने आ, जो गॉड से रिलेटेड अपनी चैंटिंग्स और प्रेयर्स हैं वो सब कुछ नहीं करी तो मुझे अब आई डोंनी वॉन्ट टू ले साइलेंटली ऑन अ एंड चैंटेड शी डाइट तो उन्होंने किसी से बात करने को रिफ्यूज़ किया और बोला कि मैं सिर्फ बेड पर लेटूँगी और मैं अपना प्रेयर ही करूँगी

मदर टंग जो उनकी मदर टंग थी जो उनकी मातृभाषा थी उसमें वो दोनों आपस में एक दूसरे से कॉन्वर्स करते थे या बात करते थे एज द ऑथर बिलोंग्स टू पंजाब स्टेट ऑथर कहाँ के थे पंजाब स्टेट से बिलोंग करते थे दे वो टॉक इन पंजाबी लैंग्वेज तो वो लोग पंजाबी लैंग्वेज में एक दूसरे से बात करते थे येस yes? सो चिल्ड्रेन दिस वॉज ऑल अबाउट आर फर्स्ट चैप्टर अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जिसमें हमने सब कुछ कवर किया है एंड इसके बाद भी अगर आपको डाउट्स होते हैं तो प्लीज कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू